प्यारो आपको मालूम है, अभी मुझे हमारे बेटे शादाब ने बताया कि ये दरियाए नील जो है ना मिस्र में, दरियाए नील कितना बड़ा है, दरिया नील का नाम सुना ना, मिस्र में 6,650 किलोमीटर पर फैला हुआ, 6,600 कई डम्बन उसमें समा जावे, 6,650 किलोमीटर पर फैला हुआ क्या दरियाए नील है। लेकिन आपको मालूम है ना जब मिस्र के गवर्नर कौन बने, हजरत अम्र बिन आस, साथ में बोलो कौन बने, हजरत अम्र बिन आस। और दरियाए नील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, अब इतना लंबा दरिया जो मिस्र से चलता, सूडान को टच करता, सूडान को टच करके अफ्रीका की बॉर्डर पर जाता और यूरोप तक जाता, 6,650 किलोमीटर का दरिया, जब उसका पानी कम होने लगा तो सारे सारे के सारे मिस्र वाले गवर्नर के पास आए। गवर्नर कौन, हजरत अम्र बिन, और आकर क्या कहा, ये हर साल ऐसा होता है दरिया का पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फिर हमारे खेतों में भी पानी नहीं, बागों में भी पानी नहीं, खाने के लाले पड़ जाते, मरना पड़ता। तो हजरत अम्र इब्ने आस ने कहा फिर दरिया भरते कैसे हो, कहा वो एक हमारा तरीका है, कोई भी एक जवान लड़की को लाना पड़ता है, उसको जेवरों में आरास्ता करना पड़ता है, यानी उसको जेवर पहनाने पड़ते, फिर उस लड़की को उठाकर इसको भेंट दे देते, यानी दरियाए नील को फेंक देते, वो लड़की मर जाती, लेकिन जैसे लड़की मरती है फिर दरियाए नील जोश मारता है, पानी आता पानी आता पानी आता, फिर हमारा साल अच्छा जाता है, फिर 12-13 महीने के बाद फिर वही मामला, पानी कम हो जाता है, फिर कोई कौम की एक लड़की को तैयार करो और उसको जेवरात में आरास्ता करो, फिर उसका भेंट चढ़ाओ, हर साल सालों साल से चला आता। हजरत आमिर ने आस ने फरमाया जो सालों साल चलता था वो चलता, अब नहीं रहेगा, हदान अल्लाहुल इस्लाम, अल्लाह ने हमको इस्लाम दे दिया है अब ये कानून। लेकिन हुआ ऐसा ही, नील में पानी नहीं आ रहा, अरे बोलो दरिया नील में पानी, सब रोजाना गवर्नर के पास, फिर बोलो गवर्नर का नाम क्या है, हजरत अम्र बिन आस, रोजाना गवर्नर के पास, और गवर्नर रोजाना कहे कद हदान अल्लाह बिल इस्लामी वल ईमान, अल्लाह ने हमको इस्लाम और ईमान दिया, अब किसी लड़की की जान को लेना, यानी कुंवारी लड़की को लेना, उसको जेवरात पहनाना और उसको भेंट चढ़ाना, ये कौन सा तरीका है, मखलूक मखलूक की मदद नहीं होती। लेकिन पानी कम होने लगा, अब तो लोगों ने यह फैसला किया कि गवर्नर तो मानने वाले है नहीं, इससे अच्छा हम ये इलाका छोड़ के, सबने इलाका छोड़ने की कोशिश की। तो हजरत अम्र इब्ने आस ने देखा कि अब तो मामला बहुत गंभीर हो गया है, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ लेकिन यहाँ तो नील में पानी आता नहीं है, इन्होंने खत लिखा, डायरेक्ट खत लिखा मदीने पाक में, बोलो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु, सुभान अल्लाह, बोलो खत लिखा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु को जैसे ये पैगाम मिला कि हर साल दरियाए नील में एक कुंवारी लड़की को लाया जाता है और उसको कपड़े पहनाए जाते, उसको जेवरात पहनाए जाते और दरियाए नील को भेंट चढ़ाया जाता है, उसके बाद में दरिया नील का पानी जोश मारता है वरना हर साल पानी घट जाता है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अनु ने एक चमड़े के टुकड़े पर खत लिखा, किसको, दरिया को, हजरत अम्र को नहीं, दरिया को खत भेजा, अम्र इब्ने आस से कहा कि ये खत दरिया में डाल देना, इंशाल्लाह पानी जोश मारेगा। जैसे खत हजरत अम्र इब्ने आस के पास आया, हजरत अम्र इब्ने आस ने मिस्र वालों को कहा जाओ हमारे पास मदद आ गई है, हमारे पास पानी आ गया है, सब दरियाए नील के पास आए, तो दरियाए नील का पानी तो खुश्क होता जा रहा था, का कौन सी मदद आई, हजरत अम्र इब्ने आस ने वो जो जेब में चमड़े का टुकड़ा था, जो खत था, वो खत लेकर दरियाए नील में डाला, अरे मेरे प्यारो अल्लाह की कसम खत पहुंचने में थोड़ी देर हुई, उससे पहले पूरा दरिया 6,650 किलोमीटर पानी का तूफान मारना शुरू कर दिया। सारा मजमा हैरान कि हजरत उमर ने खत में क्या लिखा, कौन सी तावीज थी भाई, कौन सी तावीज थी कि इतना दरिया जो अभी तक खुश्क था, क्या था मजमून, क्या था उसमें, मालूम है मजमून इसमें क्या था, जब उस खत के बारे में पूछा गया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु ने फरमाया मैंने लिखा था मिन अमीरिल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब इला नील मिस्र इन कुंत तजरी मिन क़िबलिक फला तजरी व इन कान अल्लाह युजरीक अस्अलुल्लाह अल वाहिद अल कबीर अल मुताल अन युजरीक, बस
इतना मजमून लिखा था। ये खत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की तरफ से आ रहा है, मदीने से आ रहा है, दरियाए नील की तरफ आ रहा। हजरत उमर ने लिखा था, इन कुंत तजरी मिन कबली का फला तजरी, ए दरियाए नील अगर तू तेरी ताकत से चलता है आज से चलना बंद कर दे, तू खुश हो जा, हम बर्बाद हो जाएंगे। वह इनका अल्लाह युजरी का, और अगर अल्लाह तुझे चलाता है तो मैं एक अल्लाह से मांगूंगा जो कबीर भी है जो मुताल भी है, ये खत पहुंचने में देर होगी मगर तेरे पानी उबलने में कमी नहीं आएगी। अब पूरा पानी जोश मारने लगा। मेरे दोस्तों, इतने बड़े दरिया को कंट्रोल किया किसने? हजरत। और हम कोरोना को